लगातार धरना, सैकड़ों एम्बुलेंस इकट्ठा करके अपनी विभिन्न मांगों के लिए किया प्रदर्शन, एम्बुलेंस कर्मियों को NRHM में सम्मिलित करने की मांग, समान वेतन समान कार्य को लेकर मांग, कोरोना में हुई मौत एम्बुलेंस कर्मियों की 50 लाख मुआवजे की रखी मांग, कोरोना में स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख देने की सरकार की थी घोषणा, एम्बुलेंस कर्मियों का शोषण बंद करने के लिए उठाई आवाज, एम्बुलेंस कर्मियों की नौकरी सुरक्षित करने की मांग। सोना रानी के साथ बलिया संजय तिवारी की रिपोर्ट। बताएं कि हम एम्बुलेंस यूनियन संगठन के जिला उपाध्यक्ष सुदर्शन मिश्रा, क्या मांगे हैं और पूरे जनपद के एम्बुलेंस यहाँ खड़ी कर दिए हैं आप लोग, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा? सेवा प्रदाता कंपनी जिम्मेदार होगी, इसमें हमारी कोई शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्या मांगे हैं आप लोग, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं समस्त एम्बुलेंस कर्मचारी नौकरी, उनकी नौकरी सुरक्षित किया जाए और समस्त 108-102 LS कर्मचारी NHM में समाहित किया जाए और सामान्य कार्य सामान्य वेतन मिले, LS कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहे और कोरोना काल में शहीद हुए सभी एम्बुलेंस कर्मियों को 50,000 का जो बीमा सरकार जो है घोषणा की, 50 लाख की बीमा जो सरकार घोषणा की थी वह हमारे शहीद कर्मचारियों को मिला। क्या आप लोग सारी एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी कर दिए हैं, क्या आपने किसी उच्च अधिकारी से मिला है अभी तक? जी, हम विगत कई दिनों पहले जो है हम अपने DM साहब को, CMO साहब को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराए। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Crime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।